अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए अंडा मेथी लेकर आए हैं। बहुत एक यूनिक रेसिपी है और बहुत टेस्टी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे पेज को। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमारे पास धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून के बराबर। 3 अदद हमने अंडे लिए हैं, 3 अदद छोटे टमाटर हैं और 2 प्याज हैं और कुछ हरी मिर्चें जो हैं कटी हुई हैं मोटी मोटी, और यह हमारे पास मेथी है 2 गड्ढी के बराबर। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने प्याज़ों को काट के और इसमें ऑयल में हमने फ्राई किया है, हल्का हल्का हमें इसे फ्राई करना है जब तक लाइट ब्राउन हो जाए। ये हमारी प्याज ऐसे ऐसे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है जब तक ये साथ ही ब्राउन हो जाए, और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है प्याज के साथ ब्राउन होने में। हमारी प्याज़ें लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी हैं, अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, साथ ही इसको हम बहुत अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सी चटनी तैयार हो गई है हमारी टमाटर और प्याज के साथ। इसको मुसलसल भूनते जाएं जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल गल कर पेस्ट की सूरत में बन जाएं। इसमें हम अब तमाम अपने ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। हमने मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये हमारे पास धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर भी हमने शामिल कर दिया है साथ ही, और हमने नमक ऐड किया है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है मसाले डालने के बाद। ये देखिए अब इसमें हमने अपनी मेथी शामिल कर दी और इसको इसमें भून लेना है। ख्याल रखिए मेथी कभी भी रात में काट के नहीं रखिएगा, वो कड़वाहट छोड़ देती है अपनी, फ्रेश आप कटिंग कीजिए, फ्रेश ही बनाइए। ये देखिए हमारी मेथी जो है बिल्कुल मसाले में मिक्स हो चुकी है, बहुत अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए अब हम इसमें अपने अंडे शामिल करेंगे। अंडों को अच्छी तरह आप फेंट लें। देखिए हमने अपने तमाम अंडे जो हैं तीनों उसको फेंटे हुए अंडे इसमें शामिल कर दिए। हम इसको ऐसा ऐसा मिक्स करते जाएं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से मेथी में मिक्स हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनता है।
हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं साथ ही। ये देखिए, ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको थोड़ा अच्छा से भुनेगा कि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मेथी भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा ऊपर हमने इसमें गरम मसाला डाला है, अब इसे हम सर्व